तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, दैट ओवरऑल मेनस्ट्रुअल साइकिल विल बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, ठीक है ना। तो पहला पार्ट कौन सा है शबाश, द फर्स्ट पार्ट इज ओवरियन साइकिल, और सेकंड वाला पार्ट कौन सा है शबाश, द सेकंड पार्ट इज यूट्राइन साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, क्लियर। अब ओवरियन साइकिल के अंदर हमारे पास तीन बड़े फेजेस होते हैं, पहले फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, दूसरे फेज को हम बोलते हैं ओवल्यूशन, और तीसरे फेज को हम क्या बोलते हैं ल्यूटियल फेज, क्लियर है बच्चा। और सिमिलरली हमारे पास मेनस्ट्रुअल साइकिल या यूट्राइन साइकिल में तीन फेज होते हैं, द फर्स्ट इज मेनस्ट्रुअल फेज, द सेकंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड द थर्ड वन इज सिक्रीटरी फेज बेटा, क्लियर है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फेजेस को वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर मैं इस ग्राफ पे वापस लौटूंगा और आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा रिलेटेड टू द मेनस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है बच्चा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल को समझना फ्रॉम द मेनस्ट्रुअल फेज बेटा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको ऑलरेडी पता है दैट मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें करना क्या है बेटा, मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करने हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमने जो एग रिलीज करना है बेटा, ठीक है ना, जिस एग को हमें फ्यूज किसके साथ कराना है, जिसको हमें स्पर्म के साथ फ्यूज कराना है, तो स्पर्म की एंट्री के लिए हमें पूरी फीमेल की बॉडी को या पूरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या करना है बेटा, रेडी करना है, ताकि स्पर्म क्या करे बेटा, एंटर करे। दूसरा, फीमेल की बॉडी के अंदर जब स्पर्म एंटर करेगा बेटा, तो हमें अंदर का माहौल, अंदर का एनवायरमेंट ऐसा बनाना है दैट दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक शुड सपोर्ट द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग बेटा, क्लियर है ना। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या करना है बेटा, जो बना हुआ एम्ब्रियो है, जिसको आप ब्लास्टुला बोलते हो बेटा, उसको इम्प्लांट कराना है, क्लियर है ना। अब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर कि फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस चलता है ना, वो फीमेल की बॉडी के अंदर सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग पे चलता है, जिस इनर मोस्ट लाइनिंग को हम क्या नाम देते हैं, इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं, जिस इनर मोस्ट लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं शबाश, इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ये ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो लाइनिंग है बेटा जो किसको सपोर्ट करता है, प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, क्लियर है। अब जस्ट इमेजिन इट फॉर वन और टू सेकेंड्स, हुआ क्या बेटा इस फीमेल के अंदर, ये फीमेल को मान लो हम फॉर एग्जाम्पल नाम देते हैं, ये फीमेल एक्स है, ठीक है, इस फीमेल का नाम फीमेल एक्स है बेटा। तो इस फीमेल के अंदर क्या हुआ बेटा, एक एग रिलीज हुआ, ठीक है ना, एग रिलीज होने के बाद बेटा पहुंचा कहां पे, एम्प्यूला पे पहुंचा, ठीक है ना, और इस एग ने एम्प्यूला के ऊपर पहुंचने के बाद, ठीक है ना बच्चा, एम्प्यूला के ऊपर पहुंचने के बाद एक दिन का वेट किया बेटा, तो फीमेल की बॉडी के अंदर एग एम्प्यूला पे पहुंचा, और एम्प्यूला पे पहुंचने के बाद कितने दिनों का वेट किया, एक दिन का वेट किया, क्लियर ना बच्चा। अब विद इन दिस वन डे, जस्ट इमेजिन इट कि इस एक दिन के अंदर स्पर्म इस एरिया में नहीं आया बेटा, बिकॉज फीमेल का लाइफ स्पैन, फीमेल के एग का लाइफ स्पैन फीमेल की बॉडी में खाली एक दिन का होता है, तो जैसे एग 14th डे को रिलीज हुआ, इसने 15th डे तक बेटा फीमेल के फ्लॉपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट किया। इमेजिन कर लो कि बेटा इस एक दिन के अंदर स्पर्म नहीं आया, तो जैसे स्पर्म नहीं आएगा बेटा विद इन वन डे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, फीमेल का जो एग है बेटा, है ना, फीमेल का जो एग है बेटा, ठीक है ना, ये ब्रेक होना शुरू होगा, और इस ब्रेकेज की प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। दिस ब्रेकेज ऑफ एग इज कॉल्ड एज शबाश एपोप्टोसिस बेटा, सुनिए प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमेजिन कर लो बेटा कि फीमेल का एग ब्रेक हुआ, फीमेल का एग जब ब्रेक होगा तो मुझे आप बताओ बेटा, क्या जायगोट बनने की कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है बेटा, क्लियर है ना। अगर जायगोट नहीं बना तो क्या एम्ब्रियो बनने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है बेटा। अगर एम्ब्रियो नहीं बना, क्या फीटस बनने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपको थोड़ी देर पहले की कहानी याद हो, मैंने आपको बोला था फीमेल हर महीने 28-29 डेज के साइकिल में अपने आप को तैयार करती है बेटा, किस लिए, ताकि उसके यूट्रस के अंदर क्या हो जाए, एक जायगोट या एक एम्ब्रियो एम्प्लांट हो जाए बेटा। लेकिन यहां ना तो जायगोट बना, ना तो एम्ब्रियो बना बेटा, क्या यहां पे किसी चीज का इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा। तो अगर इस एरिया में किसी चीज का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो मुझे बताओ क्या फीमेल को यह एंडोमेट्रियम रखने की जरूरत है, नहीं है बेटा, आप समझ रहे हो ना। सो अगर फीमेल के अंदर कंडीशन है, ये याद रखना है, कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं बेटा, कंडीशन क्या है,
कंडीशन है बेटा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बेटा ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो बनेगा, अगर एम्ब्रियो बनेगा फीटस बनेगा, अगर एम्ब्रियो बना तो इम्प्लांटेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली एम्ब्रियो नहीं बनेगा, अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम को रखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप समझ रहे हो ना। सो अगर एंडोमेट्रियम हमें नहीं रखना है तो फीमेल क्या करती है बेटा, फीमेल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है अपने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को शेड करना या ब्रेक करना शुरू करती है बेटा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे शेडिंग और ब्रेकडाउन, ठीक है ना, शेडिंग और ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग बेटा, ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग बेटा, क्लियर है ना। लेकिन ये याद रखना प्लीज, यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंडीशन, कंडीशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, दैट मींस नो इम्प्लांटेशन, नो इम्प्लांटेशन मींस नो नीड ऑफ एंडोमेट्रियम, नो नीड ऑफ एंडोमेट्रियम मींस कि अब एंडोमेट्रियम को हम क्या करना शुरू करेंगे, ब्रेक करना या रिमूव करना शुरू करेंगे बेटा, समझ आया ना। तो जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा तो इससे क्या होगा बेटा कि एंडोमेट्रियम की ब्रेकेज की वजह से जो इसकी आसपास ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, जो इसके आसपास ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है बेटा, वो भी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी बेटा, अरे समझ रहे हो ना। तो जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएंगी तो ये सारा मटेरियल फीमेल की बॉडी में बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बेटा, अरे समझ रहे हो, ये फीमेल की बॉडी से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या है शबाश, इस ब्लड के अंदर तीन चीजें बेटा, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, पहला इसके अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, दूसरा इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, तीसरा इसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग है बेटा, इसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग है, आप समझ रहे हो ना। सो इस पर्टिकुलर ब्लड के बाहर निकलने को फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल बेटा हम इसको नाम देते हैं मेनस्ट्रुएशन, मेनस्ट्रुएशन बेटा, अरे समझ आया ना। और इन सारे इवेंट्स को, क्लियर है बच्चा, इन सारे इवेंट्स को जो फीमेल की बॉडी के अंदर हुए, All those events जो फीमेल की बॉडी में हुए किसके बाद, after not having fertilization बेटा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, endometrial lining break होना शुरू हो गई, और क्या हुआ, blood vessels break होना शुरू हो गई, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें along with the unfertilized egg body से क्या आई, बाहर आई, जिस process को हमने क्या नाम दिया, menstruation नाम दिया। इन सारे events को अगर मैं एक साथ combine कर दूं बेटा, all those events are together called as menstrual cycle बेटा, menstrual cycle बेटा, समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है ना। और menstrual cycle के अंदर इस phase को बेटा, जहां पे bleeding हो रही है, इस phase को हम बोलते हैं menstrual phase, this phase is called as menstrual phase बेटा, this phase is called as menstrual phase, समझ आया। तो पिक्चर आपको यहां पे क्या डिपिक्ट कर रही है, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देख पा रहे हो, सो पिक्चर आपको डिपिक्ट कर रही है कि पहले इस फीमेल के अंदर एक थिक एंडोमेट्रियम थी बेटा, है ना, ये थिक एंडोमेट्रियम हमने क्यों बनाई थी, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ब्लास्टुला आएगा, एक एम्ब्रियो आएगा, वो इस जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इस पिक्चर में क्या डिपिक्शन हो रहा है बेटा, यहां पे डिपिक्शन हो रहा है दैट शबाश एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है, प्लस ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग, प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना बच्चा, ये सब क्या हो रहे, ये सब रिमूव हो रहे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड बेट, समझ आया, ये क्लियर हो गया ना बच्चा। अब यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलने वाला हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रिमूव की जाती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल, एक्चुअल में पूरा एंडोमेट्रियम रिमूव नहीं होता है, देखा, अगर पूरा ही एंडोमेट्रियम रिमूव होगा तो फिर फीमेल की बॉडी में नेक्स्ट साइकिल के अंदर नेक्स्ट एंडोमेट्रियम बनाने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में एंडोमेट्रियम जो है ना वो दो लाइंस का बना होता है या वो दो लेयर्स का बना होता है, ठीक है ना। एक लेयर को मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं, ये लेयर नंबर वन है और ये लेयर नंबर टू है। लेयर नंबर वन को हम नाम देते हैं
स्ट्रेटम बेजली बिट, ठीक है ना। लेयर नंबर वन इज कॉल्ड ए स्ट्रेटम बेजली बिट, क्लियर है। और लेयर नंबर टू को हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्ट्रेटम फंक्शनल बिट, क्लियर है बच्चा। तो ये प्लीज याद रखना आपको कि जो रिमूवल ऑफ लाइनिंग होती है ना, वो खाली कौन सी होती है, वो खाली स्ट्रेटम फंक्शनल होती है, वो स्ट्रेटम बेजली नहीं होती। यानी हर महीने जिस लेयर को रिमूव किया जाता है बेटा, वो कौन सा लेयर होता है, स्ट्रेटम फंक्शनल होता है, बेजल वहीं पे रहता है, और अगले महीने वो दोबारा क्या कराएगा, स्ट्रेटम फंक्शनल को बनाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि मेरिस्टेमल फेज में क्या होता है, समझ आया। बट ये हुआ क्यों, आप समझ रहे हो ना, ये लाइनिंग कैसे रिमूव हुई, ये किसकी वजह से रिमूव हुई, इसका हमें थोड़ा सा हार्मोनल मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा कि किन हार्मोन्स के होने या ना होने की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो गई बेटा, क्लियर है ना। तो अब मैं पढ़ाता हूं आपको हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ मेनस्ट्रुअल फेज बेटा, क्लियर हो गया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यार नजर रखिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नजर रखना प्लीज ध्यान से। होता क्या एक्चुअल में हुआ, ये फीमेल की बॉडी में, नजर रखिए प्लीज ध्यान से, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई बेटा, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन के ना होने की वजह से, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के ना होने की वजह से बेटा, जो बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस से निकल रहा था जीएनआरएच, ठीक है ना, जीएनआरएच का रिलीज जो है बेटा, जीएनआरएच का जो रिलीज है बेटा, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। जीएनआरएच का रिलीज जो है बेटा, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब जीएनआरएच का रिलीज डिक्रीज होगा तो मुझे बताओ आप, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो थे बेटा, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो थे, उनका रिलीज जो है बेटा, वो इंक्रीज होगा कि वो डिक्रीज होगा, वो भी डिक्रीज होगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स का जो रिलीज है बेटा, ठीक है ना, वो भी क्या हो गया, शबाश, वो भी डिक्रीज हो गया, बिकॉज जीएनआरएच की वजह से पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलते हैं। अब जब पिट्यूटरी हार्मोन्स का रिलीज डिक्रीज हुआ बेटा, ठीक है ना, सो दैट मींस एफएसएच भी डिक्रीज हो गया, क्लियर है बच्चा, और एलएच भी डिक्रीज हुआ। ये समझ रहे ना, मैं आपको बता रहा हार्मोनल मैकेनिज्म जिसकी वजह से क्या होती है, मेनस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। तो जब एफएचएच भी डिक्रीज होगा, जब एलएच भी डिक्रीज होगा, आपको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एलएच हार्मोन वो हार्मोन है बेटा जो फीमेल की ओवरी में एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम नाम देते हैं, ये क्लियर है। सो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है बेटा, जिस स्ट्रक्चर का ख्याल रखने का काम, जिस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है शबाश, ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी इसके स्ट्रक्चर को बचा के रखता है, क्लियर, इसकी सेल्स को बचा के रखता है। वो कौन सा हार्मोन होता है, एलएच होता है। तो भाई जब एलएच डिक्रीज हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या डिक्रीज्ड एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जल्दी जल्दी शबाश, जब एलएच डिक्रीज होगा तो क्या एलएच डिक्रीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, नहीं करेगा बेटा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नो मेंटेनेंस ऑफ शबाश कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्लियर है ना। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन बनाता था, ठीक है ना, कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन की सिक्रीशन करता था, एक हार्मोन का नाम था प्रोजेस्टेरोन, है ना, और दूसरे हार्मोन का नाम था एस्ट्रोजन बेटा, क्लियर है। तो जब एलएच कम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का केयर कोई नहीं करेगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम का केयर कोई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को कम बनाएगा और एस्ट्रोजन को भी क्या करेगा, कम बनाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब आपको ये चीज भी ऑलरेडी पता है बेटा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है कि एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है, सुनना ध्यान से, एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो क्या कराता है बेटा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, मतलब एंडोमेट्रियम को डिवाइड करने के लिए, एंडोमेट्रियम की सेल्स को डिवाइड करने के लिए मजबूर कौन करता है बेटा, एस्ट्रोजन करता है।
तो जब एस्ट्रोजन खुद कम हो जाएगा तो मुझे बताइए बेटा इन सेल्स की प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑफ कोर्स कम होगी बेटा, समझ आया? दूसरा, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, जो एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बनाया होता है, यह उस बने हुए एंडोमेट्रियम को क्या करता है? मेंटेन करता है बेटा। क्लियर है ना? तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या, ये ऐसे मान के चलो कि एस्ट्रोजन का काम है एक दीवार बनाना, क्लियर ना, जिस दीवार का नाम है एंडोमेट्रियम, और उस दीवार की केयर करना, उसको संभाल के रखना, उसको साफ करके रखना, क्लियर है ना? उस दीवार में कहीं कोई ब्रेकेज तो नहीं आया बेटा, उस चीज को चेक करना, वो किसका काम होता है बेटा? वो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। सो जब प्रोजेस्टेरॉन खुद कम हो जाएगा, क्या दीवार के मेंटेनेंस होगी बेटा? नहीं होगी। जब दीवार की मेंटेनेंस नहीं होगी तो मेंटेनेंस ना होने की वजह से दीवार, दीवार का नाम था एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बेटा वो क्या करना शुरू करेगा? वो ब्रेक करना शुरू करेगा, समझ आया ना? और इसी ब्रेकिंग की वजह से फीमेल की बॉडी से ब्लीडिंग होना शुरू होगा, ठीक है ना? और उसी ब्लीडिंग फेज को हम क्या बोलते हैं? मेनस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, समझ आया? यानी मेनस्ट्रुअल फेज एक्चुअल में एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है बेटा। अगर वो कंडीशन है तो मेनस्ट्रुअल फेज होगा, अगर वो कंडीशन नहीं है तो मेनस्ट्रुअल फेज कभी भी नहीं हो सकता है। और कंडीशन क्या है? फर्टिलाइजेशन का ना होना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जीएनआरएच कम होगा, एलएच कम होगा, कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन नहीं होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा? ब्लीडिंग होगी, समझ आया? सो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? दिस फेज इज कॉल्ड एज मेनस्ट्रुअल फेज, जिसको मैंने आपको इधर अच्छे से पढ़ाया, बट यहां पे बस शॉर्टकट में इतना मैं लिखूंगा, ये किसकी वजह से होता है? शाबाश, ये होता है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, ठीक है, जो क्या करता था बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता था, और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करके क्या देता था? शाबाश, प्रोजेस्टेरॉन जो अब कम होगा, और एस्ट्रोजन जो अब कम होगा बेटा, जो अब कम होगा। तो ये हमारा खत्म हो जाता है कौन? शाबाश, मेनस्ट्रुअल फेज। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है बच्चा, समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज में। तो ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज मेनस्ट्रुअल फेज। अब ये फेज कितने दिन चलता है वो मैं आपको इधर बताऊंगा। ये फेज चलता है बेटा 29 डेज में से, ये चलता है फर्स्ट टू फिफ्थ डे बेटा। तो मेनस्ट्रुअल फेज चलता है कितने? शाबाश, फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक बेटा, समझ आया ना? फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब मेनस्ट्रुअल फेज के बाद जो मैं आपको नेक्स्ट फेज पढ़ाने वाला हूं, वो हम यूट्राइन इवेंट्स में नहीं पढ़ेंगे, वो हम कहां पढ़ेंगे बेटा? वो हम ओवेरियन साइकिल में पढ़ेंगे, जिस फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं।